शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को पीने के लिए साफ और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि भदोही जनपद सूर्या ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लालीपुर में पिछले एक साल से हैंडपंप का पानी प्रदूषित होने के कारण यहाँ पढ़ने वाली पिंकी सहित 257 बच्चों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपके विद्यालय में क्या समस्या है? नल खराब है, बालू रहता है और उसमें एकदम कचरा रहता है, मरता भी पीने के जस्ट इसलिए नहीं था। और बाहर जाते हैं तो डांटते हैं सभी लोग कि यहाँ पर मत आया करो, और सामने पर रोड भी है, इस वास्ते जा नहीं पाते हैं, गाड़ी आएगा तो लड़ जाएंगे, उससे चोट आएगी, इसलिए सब चाहते हैं कि यहीं पर नल की भी सुविधा हो, बाथरूम उतने सब कुछ भी हो यहाँ पर। आपके विद्यालय में कितना लड़कियाँ हैं? हमारे प्राथमिक विद्यालय में 157 बच्चे हैं, पूर्व माध्यमिक में जो है 100 बच्चे हैं। आपके विद्यालय में मुख्य समस्या क्या है? समस्या है हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है। हैंडपम्प में सर जो है पानी गंदा आता है, उसमें जंग लगे हुए हैं, बालू भी देता है, पानी के लेकर के हमारी जो रसोइयाँ है जो हैं वो जो है कपड़े से छान करके जो है खाना बनाती हैं, और बच्चे बार बार पानी पीने बाहर जाते हैं, उनका शिक्षण कार्य जो है बाधित रहता है। एक हैंडपम्प पिछले एक साल से रिपोर्ट हुआ था वो भ्रष्ट हो गया, दूसरा हैंडपम्प है वो भी दूषित जल दे रहा है, और कुछ बच्चे मना करने के बावजूद भी वही पानी पी लेते हैं, अधिकांश बच्चे बाहर जाकर बाउंड्री के बाहर हैंडपम्प है वहाँ पानी पीते हैं, वहाँ उनको तिरस्कृत होना पड़ता है, अपमान भी सहते रहते हैं, वो लोग मना करते हैं, डांटते रहते हैं। तो हैंडपम्प बनवाने का हमने कुछ प्रयास किया? हैंडपम्प बनवाने के लिए हम लोग अपने विभाग में लिखित शिकायत किए थे, सर्कुल प्रभारी के माध्यम से 2-3 बार एप्लीकेशन किए थे, यहाँ से रिपोर्ट जाती है, हम लोग बताते रहते हैं, अब निराकरण उसका हो तब। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि जल्द से जल्द इस हैंडपम्प की मरम्मत कराई जाए ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप भदोही जनपद के बेस से जिनका मोबाइल नंबर 94-53-00-41-99 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि जल्द से जल्द इस हैंडपम्प की मरम्मत कराई जा सके। मैं अनिल कुमार, भदोही, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।